वामन पुराण के अनुसार वाराणसी से भगवान शंकर के साथ ही माता बाला सुंदरी पिहोवा में आई और यहाँ पर निवास करने लगी। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में प्रतुदक पिहोवा की स्थापना के समय श्री पृथ्वेश्वर महादेव और माता बाला सुंदरी की स्थापना पूजा व राजा बेन के पुत्र राजा पृथु द्वारा की गई। मंदिर में माता बाला सुंदरी एक पिंडी के रूप में स्थापित हैं, जिस पर एक विशेष यंत्र बना हुआ है। बताया कि देवी माता ने भूमि के स्वामी को स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि मैं इस भूमि में स्थित कुएं के अंदर पिंडी रूप में विराजमान हूँ। आज भी वह कुआं मंदिर के प्रांगण में विद्यमान है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रों में देवी की उपासना का विशेष महत्व है। प्रत्येक वर्ष चैत मास में अश्विन मास व माता के नवरात्र मंदिर प्रांगण में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और नवरात्र की सप्तमी वाली रात्रि को मंदिर कमेटी की ओर से प्रांगण में विशाल भगवती जागरण करवाया जाता है। काफी कई सालों से माता के दर्शन करने आते हैं, जैसे मैं भी कई सालों से आ रही हूँ, माँ से भी मेरी कामना अवश्य पूरी हो रही है। माँ अपना आशीर्वाद मनाती है, सच्चे दिल से बाला सुंदरी जी के मंदिर में तेवा में आकर है, तो ये स्थित स्थान है जहाँ पर देवी माता प्रकट हुए हैं। यहाँ पर मांगी भी हर एक मनोकामना पूरी की जाती है माँ के द्वारा, और अनेकों मनोकामना हमारी यहाँ पर पूरी हुई है और आशा करते हैं इस नवरात्र में माँ हमारी हर एक मनोकामना